और हम ये अलायंस बीएसएफ इलेक्शन के लिए नहीं कर रहे, समझाओ खुदा के लिए समझाओ। मैं उनको गोद में उठा तो इलेक्शन के लिए उठा, मैं दिल से उठा तो फिर उठाऊंगा इंशाल्लाह। आप जाके साहब को बोलो प्लीज, उनको कौन क्या बोल रहा मेरे को नहीं मालूम, उनको सच्चाई कोई नहीं बोल रहे, उनको समझाओ प्लीज। आप प्लीज रिक्वेस्ट करो मेरी तरफ से, हम आज भी तैयार है, आप ये सब बोलो मैं तैयार, मगर मैं सिटिंग में कैसे छोड़ूंगा बोलो। आपको अगर आपकी आगे मिले होते मैं जैसे रुका बोल रहा हूँ, आप सही से बोलो, दिल का रखे बोलो, वंचित का अवलंबन चाहिए था मेरे भाई। देखो आप सिटिंग एमएलए से छोड़ दो, मैं वेस्ट लड़ो बोला, बावजूद इसके कि इम्तियाज दिल्ली हैदराबाद को आके लड़े मेरे से, मेरा नहीं इम्तियाज कोई बात लगा दिया। अरे इसने क्या करेगा सर, मैं बोलता हूँ सर छोड़ो मैं संभाल लेता हूँ। आखिर में इम्तियाज बोले मैं नहीं आता बीच में, आप जाके समझाना उसको, बोला ठीक है मैं समझा लेता हूँ। हाँ हम खुल के बोलो आपको, आप जाके अभी बताइए बड़ा साहब को प्लीज समझाओ इसको, अभी उसको कुछ कर सकते। मैं बाड़ा साहब यहाँ तक बोला, मैं मेरा सर अगर हमारे एक सात आठ एमएलए जीत गए, आपके एक सात आठ जीत गए सर, आप राज्यसभा भेजेंगे परीक्षा में, अपने दोनों के 15-20 एमएलए आ गए सबको राज्यसभा भेजेंगे, दूसरे 20 को भी देता अपने को झकमा ला के देता अपने को, यहाँ तक बोला मैं, आप क्या बोलूंगा बातें नहीं मालूम होंगी। मैं क्योंकि तुम समझाओ अभी टाइम जाओ, अभी सुने बोलो, अमित को भी बोलो समझाओ, बोलो अमित को समझाओ बोलो प्लीज, अपना दिल साफ रखो भाई, अपना इलेक्शन लड़ना लड़ेंगे, अपना दिल साफ रखो, मेरे दिल में कुछ भी नहीं है, ईमानदारी से बोलो, तुम भी दिल साफ करो, अमित को सलाम बोलो।